नमस्कार। खबर आजिर कार्यक्रम को आपण मानंकु स्वागत। आजिर मुख्य खबर, भंजनगर रे विषाक्त छतु खाई 10 असुस्थ, घरोई कळीर कुपरिणति, विद्युत तार संस्पर्शरे आसी जणंकर मृत्यु, भद्रक म्युनिसिपालिटी रा एक भिन्न प्रयास, विवाहित युवकंक प्रेमरे युवती 8 मासर गर्भवती, ऋण किस्ती आदाय बंद करने को प्रगतिशील महिला मंचर दाबी। बर्तमान जीवा संपूर्ण खबर को, भंजनगर विषाक्त छतु खाई 10 असुस्थ, गतकाली विषाक्त छतु खाई 10 जन गुरुतर होती। अभावनीय घटना भंजनगर सियारीमाला नुआ गाँव में घटी जाइछि। सूचना मुताबक समस्त गुरुतर मानंकु भंजनगर मेडिकल ले भर्ती करा जाइछि। छतुरे विषक्रिया जनित कारणरु समस्त असुस्थ होइतिबा डाक्तरखाना पक्षरु सूचना मिलिछि। तेबे समस्तंक स्वास्थ्य अवस्था एबे स्थिर रहिछि बुली भंजनगर उपखंड चिकित्सा अधिकारी सूचना देइछन्ति। एबे जिबा परवर्ती खबर को, घरोई कळीर कुपरिणति, दादांकु हाणिला पुतुरा। एभळी एक घटना घटी जाइछि आनंदपुर थाना कंटीपाळ गाँवें। घरोई कलह को केन्द्र कर जड़े वयस्क व्यक्ति पुतुरा आक्रमण कर लहुलुहाण कर। सूचना मुताबक घरोई कळीरु पुतुरा हताट उत्क्षिप्त हो एक धारुआ अस्त्र आक्रमण करते आनंदपुर डाक्तखाना भर्ती करा। तेरे खबर पाई घटनास्थल पुलिस पहुंची तदंत जारी रखी। एवं जी परवर्त खबर, विद्युत तार संस्पर्शे आसी जणकर मृत्यु। गंजाम जिला कोदला 10 नंबर वार्डर विशोई साहिर श्रीनिवास पंडा नामक जन व्यक्ति विद्युत तार संस्पर्शे आसी मृत्युवरण कर। गत 12 तारीख श्रीनिवास लुगा सुखाइवाई छात उपरकू जाइले घर छात उपर दे जा 11 केवि विद्युत तार उपर एक मंकड़ बसी तेरे देखि मंकड़ी डे पड़ा। यही समय विद्युत तार छिड़ी पड़ जा मृत्यु होता। तेरे यही घटना परे परिवार लोकंकु कवि सुजन नगर विधायिका लतिका प्रधान भेटिचंती। परिवार को किछि आर्थिक साहाज्य करिबा सहित भलमंद कथा पचारि बुझिथिले। विधायिका कहिचंती जेपरि एभळि दुर्घटना आगकु किपरि न घटिबो से नै सतर्कता करा जिवो। तेबे सरकारंक नियम अनुसार क्षतिपूरण प्रदान पई अनुरोध करिवे बुली विधायिका प्रतिश्रुति देथिले। एबे जिबा परवर्ती खबर, भद्रक म्युनिसिपालिटी रो एक भिन्न प्रयास। विश्व महामारी कोरोना पई चित्रकला माध्यम रे लोकमानकु सचेतनता करा जाउची। भद्रक म्युनिसिपालिटी तरफरु महामारी कोरोना टू लोकमानकु दूरे रखिबा पई सहररो विभिन्न जागा रे चित्रकला माध्यम रे हात धोइबा, सामाजिक दूरता रखिबा, मास्क पिंधिबा आदि चित्र माध्यम रे जन सचेतनता करा जाइछि। एबे जिबा परवर्ती खबर, विवाहित युवकंक प्रेमरे युवती 8 मासर गर्भवती, पदारे पड़िला विवाहित युवकंक कांड कारनामा। बलांगीर जिला मुरीबाहल अंचल रे एभळी एक लज्जाजनक घटना घटी जाइछि। एही व्यक्ति जनक युवतींकु विवाह प्रतिश्रुति देई बारंबार दुष्कर्म करथिले। तेबे युवती जनक एबे 8 मासर गर्भवती, एने से एवे आईन द्वारस्थ होती। तेब आईन अनुसार पीड़िता को न्याय मिलिबो बोली आडिशनाल एसपी कहिचंती। एबे जीवा परवर्ती खबर, ऋण किस्ती आदाय बंद करने को प्रगतिशील महिला मंचर दाबी। घरोई पुंजी लगणकारी संस्था माने वर्ष वर्ष धरी ग्रामीण महिला मानंकु टंका ऋण दे किस्ती आदाय करियास्तुले। तेबे कोरोना महामारी आतंक समग्र देश को छारखार करथिबा बेले सारा देश एबे लॉकडाउन होईची। एही समय रे दुकान बाजार, गाड़ी मोटर, व्यापार वाणिज्य, मूल मजूरी संपूर्ण भाव बंद हो जाइची। प्रत्येक परिवार चलिबा कष्टकर होई पड़ी। आर्थिक अनाटन रे परिवार पिला छुआ नै गंडे खाई खंडे पिंधि समय अतिवाहित करथुबा परिवार को अर्थ लगणकारी संस्था माने सेमानक किस्ती आदाय करुचंती। टंका न देले चक्रवृत्ति हारे सुध लागिबो बोली लोकंकु मानसिक जंत्रणा देउचंती। कामधंदा नथिला बेले केउठु अर्थ आनी दिया जिवो से नै परिवार चिंता रे बुडी रहउचंती। एपरिकि आत्महत्या करिबा पई मध्य बाध्य हेउचंती। ए सबुर मुक्ति पाइबा पई लोकंक आर्थिक स्थिति सुधरिबा पर्यंत
ऋण किस्ति आदाय बंद करिबाकु घरोई अर्थलग्नकारी संस्थाकु जिलापाल निर्देश देबा निमन्ते आज महिला माने अनुरोध करिछन्ति। एथिलागि भद्रक ब्लॉक अंतर्गत साबरंग अंचल महिला माने आट्टु ग्राम स्थित प्रगतिशील महिला मंच जिलापालक कार्यकु आसी एक दाबी पत्र प्रदान कर एबे जीवा परवर्ती खबर। शहीद भगत सेना तरफरु भद्रक जिले में चाइना सामग्री को बर्जन। भगत सेनार आवाहक सीतांशु शेखर महापात्र क्रमे समस्त सभ्य भद्रक सहर समस्त इलेक्ट्रोनिक दुकान गुड़िक बुली बुली चाइना सामग्री व्यवहार द्वारा चीन रो किपरी आर्थिक स्थिति उन्नति होगा संगे संगे केवल आम देश भारत नुहे समग्र विश्व में तार प्रभाव विस्तार करुछि ताकु उचित शिक्षा देवाक देशरु चीन उत्पादित सामग्री को बर्जन करिबाकु हेबो एहा सरकारी स्तर रे मध्य आरंभ होईछि। एही अभियान को किपरि सारा देश रे आगो को नेई परिबा ता शहीद भगत सेनार आवाहक सीतांशु शेखर महापात्र आशा प्रकाश करिछन्ति। भद्रकरु सिकान दास को रिपोर्ट कुसुम टीवी। खबर आजर कार्यक्रम को यही रखुचु। नमस्कार।